अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया बीए बीएससी का रिज़ल्ट जो अनाउंस हो चुका है 12 जुलाई को, अब उसके हवाले से ये न्यूज़ मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो यही है कि जो बच्चे बीए बीएससी पार्ट टू में पास हो चुके हैं उनका क्या बनेगा और जिनकी सफली आई उनका क्या बनेगा, वो कब पेपर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बच्चे बीए बीएससी पार्ट टू में पास हो चुके हैं वो एमए प्राइवेट कर सकते हैं, रेगुलर के भी एडमिशन नहीं ओपन हुए या कुछ यूनिवर्सिटी ने ओपन कर ली अलग बात है, बाकी सरकारी यूनिवर्सिटी में ओपन नहीं हुए। अब चलते हैं बीए बीएससी पार्ट टू या पार्ट वन में जिनकी सप्ली है, अब उनका क्या बनेगा। उनके एडमिशन जा रहे हैं, 30 जुलाई उनकी लास्ट डेट है एडमिशन की, ठीक है। अब उनके जो पेपर है ना वो पेपर होंगे बीए बीएससी के जो फाइनल पेपर होने हैं उनके साथ सप्ली के, जिस तरह अब ये जो बीए बीएससी पार्ट वन टू के पेपर है अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में स्टार्ट एक्सपेक्टेड है, इससे आगे नहीं जाएंगे बीए बीएससी के। तो अब आपका अगर आप दाखिला भेजते हैं तो आपके जो पेपर हैं वो सितंबर में मुनक़िद किए जाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी मैं बता दूँ कि जो एमए के पेपर हैं और बीकॉम पार्ट वन टू के पेपर हैं वो अक्टूबर में होंगे, वो अक्टूबर में लिए जाएंगे। अगर तो अगस्त में बीए बीएससी के पेपर होते हैं तो फिर एमए के पेपर सितंबर के लास्ट वीक में लिए जाएंगे, और अगर वो सितंबर में होते हैं पेपर किसके जी बीए बीएससी के तो अक्टूबर में, अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक है उसमें एमए एमएससी और बीकॉम पार्ट वन और पार्ट टू के पेपर लिए जाएंगे। तो ये एक शेड्यूल आया है यूनिवर्सिटी का जिसके मुताबिक आपके पेपर होने हैं, सप्ली वाले भी एनुअल में पेपर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट जो भी न्यूज़ होगी तब तक के लिए वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।